the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh, and in this video tutorial I am going to discuss about the solution of Part A problems related to the CSIR UGC-NET examination December 2018. ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट वन एंड टू की वीडियोस ला चुका हूँ कि उससे जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया कि शुरू के जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे आपको सॉल्व करना है. तो इस वीडियो में मैं आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वो मैं बताने जा रहा हूँ. ठीक है, कि क्या कैसे उनको सॉल्व करना है और उनके क्या आंसर्स होंगे. ठीक है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप दैट इज स्मार्ट लर्निंग अकेडमी, द लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. सो लेट सी दोज क्वेश्चंस. क्वेश्चन के बारे में रीड करिए. इन एन एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच आर गिवन. ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए थे एक एग्जामिनेशन में, 1 मार्क सब क्वेश्चंस के लिए असाइन थे. आफ्टर द एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चंस आर डिलीटेड फ्रॉम इवेल्यूशन. एग्जामिनेशन के बाद क्या किया उन्होंने कि 20 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया इवेल्यूशन के लिए, 80 क्वेश्चंस को रहने दिया और टोटल मार्क्स अभी भी उन्होंने 100 ही रखे. ठीक है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, स्टूडेंट ए उसने क्या किया था कि 4 क्वेश्चंस आंसर किए थे डिलीटेड पार्ट से, एंड टोटल नंबर जो उसे मिला था वो था 40 मार्क्स. ठीक है, जबकि एक स्टूडेंट बी था जिसने क्या किया कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे डिलीटेड पार्ट से करेक्टली और उसको मिला था 35 मार्क्स. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन जो ये सिचुएशन जो मार्क्स उनको मिले हैं कि क्या दोनों इक्वली बेनिफिटेड थे या किसी को लॉस हुआ है. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या था, 100 क्वेश्चंस. क्वेश्चन डिलीट कितने किए गए, 20 क्वेश्चन. तो रेस्ट 80 क्वेश्चंस के लिए अभी भी मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स है. तो एक क्वेश्चन के मार्क्स कितना हो जाएगा, 100/80 दैट इज 10/8. ठीक है, एक क्वेश्चन का मार्क अलॉटेड हो गया 10/8 मार्क्स. तो अब क्या है कि ए जो है ए ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 40 मार्क्स. अगर ए के 40 मार्क्स गेन किए हैं तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, 80 जो कि डिलीटेड नहीं हैं. ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करिए आप, 40/10/8, एक क्वेश्चन का मार्क कितना डिवाइड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 4 और 8 मल्टीप्लाई हो गए 32 क्वेश्चंस जो उसने 80 में से किए हैं. और उसने 4 क्वेश्चन क्या किया था, डिलीटेड पार्ट से सही किया था जो कि काउंट अब नहीं हो रहा है. तो उसने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 36 क्वेश्चन किए टोटल और 40 मार्क्स मिला उसको. ठीक है, डिलीटेड को कंसिडर करते हुए अब क्या है कि बी का सेक्शन देखिए, बी को मिले थे 35 मार्क्स. अगर बी को 35 मार्क्स मिले हैं 80 में से, क्योंकि 20 डिलीट कर दिया गया था, तो 35 मार्क्स लाने के लिए बी ने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए होंगे, 35/10/8. 10/8 क्या है, एक क्वेश्चन के मार्क्स है जब 80 क्वेश्चन जो रह गया था. तो उस कैलकुलेशन को करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 28 क्वेश्चन. यानी कि 28 क्वेश्चन बी ने किया था जिसको कि मिला उसको 35 मार्क्स. यहाँ तक तो ठीक था. अब उसने क्या किया कि 10 क्वेश्चंस करेक्टली ऑप्ट किया था किस में, डिलीटेड पोर्शन से 10 क्वेश्चन करेक्टली ऑप्ट किया है डिलीटेड सेक्शन से. तो टोटल कितने क्वेश्चंस उसने सही किए थे, 38 क्वेश्चन सही किए थे, फिर भी उसको मार्क्स कितना मिला, 35. तो अब देखिए यहाँ पे ए ने 36 क्वेश्चन ही किया लेकिन उसको 40 मार्क्स मिला. ठीक है, और बी ने क्या किया कि 38 क्वेश्चन किए, ठीक है, लेकिन उसको मिला क्या, 35 मार्क्स. तो लॉस किसको ज़्यादा हुआ, लॉस बी को ज़्यादा हुआ. ठीक है, क्योंकि बी ने 38 क्वेश्चन करने के बाद भी उसको 35 मिल रहा है जबकि ए को 36 क्वेश्चन करने के बाद ही 40 मिल गया. ठीक है, तो लॉस किसको हुआ, बी को ज़्यादा हुआ. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा. क्लियर है, अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा. तो हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्या है कि अ सर्कुलर रनिंग ट्रैक है, हैज 6 लेन्स. उसमें 6 लेन बनाई गई हैं, ईच 1 मीटर वाइड है, और हाउ फार अहेड इन मीटर शुड द रनर इन आउटर मोस्ट लेन फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम सो एज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 लैप एज द रनर इन द इनर मोस्ट लेन. क्या बोल रहा है कि एक जो रनर ग्राउंड होता है सर्कुलेटिंग रनिंग ट्रैक, उसमें क्या है कि जो इनर मोस्ट है उसका डायमीटर 1 मीटर है,
एंड जो आउटर मोस्ट है वो कितने हैं, 6 लेन है, तो इसका 6 लेन अगर आप करोगे तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 6 मीटर, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 6 मीटर्स होंगे। एंड देन आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि जो 6 मीटर वाला हो वो कितने आगे से दौड़ेगा ताकि जो दोनों हो सेम कवर डिस्टेंस जो हो वो सेम कवर करें, फाइन। तो सरकमफेरेंस के हिसाब से देखें तो सरकमफेरेंस छोटे वाले का कितना होगा, 2 पाई आर, आर कितना है 1 मीटर, दैट इज़ 2 पाई। सरकमफेरेंस बी के लिए कितना होगा, जो बी मैंने ए और बी यहाँ पे डिनोट किया है, नोटेशन है, उसका मतलब है कि ए जो है वो सबसे इनर मोस्ट के लिए है, बी जो है वो सबसे आउटर मोस्ट के लिए है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, आर की वैल्यू 6 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 पाई, ठीक है। तो मतलब ए ऑलरेडी 2 पाई के डिस्टेंस पे चल रहा है, ठीक है, और आपका बी कितना है 12 पाई है, तो उसको कितना आगे चलना पड़ेगा, आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज़ 12 पाई माइनस 2 पाई, आंसर क्या होगा इसका 10 पाई, ठीक है। आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि कितना उसको आगे चलना पड़ेगा ताकि दोनों जो है डिस्टेंस सेम कवर करे। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये बेसिकली क्या क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है कि एक डेटा सेट दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि मोड मीडियन मीन कौन सा ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो मोड क्या होता है, मोड होता है कि किसी भी डेटा में जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर नंबर हो रहा है या डेटा हो रहा है वही मोड होता है। इसमें देखिए आप 70 सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है 4 टाइम्स, तो मोड क्या हो जाएगा इस डेटा का 70, ठीक है। मीन कैलकुलेट करिए, मीन क्या होता है कि सम ऑफ द ऑल द डेटाज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करिए फिर डिवाइड करिए आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ 15। आप जब ऐड करोगे और डिवाइड करोगे तो आपको मीन कितना मिलेगा, 89.13, आपको मीन मिला 89.13। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मीडियन लेना है, मीडियन कैलकुलेट करिए, मीडियन कैलकुलेट जब देखिए जब वहाँ पे ऑड नंबर होते हैं तो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑड नंबर को कैलकुलेट करते हैं n प्लस 1 बाई 2 एथ टर्म होता है, और अगर इवन नंबर डेटा है तो जस्ट डिवाइड बाई 2 करके वो टर्म ले लेते हैं। तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे 15 प्लस 1 बाई 2 16 बाई 2, दैट इज 8th टर्म आपको लेना है। आप इस डेटा से 8th टर्म देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 8th पे 82, ठीक है, आपको 82 मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए मोड जो है वो 70 है, मीडियन 82 है, मीन जो है 89.13 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है मीन है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड, ठीक है, क्लियर है। आपको तीनों कैलकुलेट किया, आप उसको ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं लेक्चर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ से आप वीडियोस मेरे देख सकते हैं। एंड यू कैन जॉइन अस ऑन द फेसबुक ऑल्सो, द नेम ऑफ फेसबुक ग्रुप इज़ स्मार्ट लर्निंग अकेडमी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।